नमस्कार दोस्तों, मैथिली विलेज रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम एक बढ़िया सी नई सी रेसिपी बनाऊंगी, बना के आपके साथ शेयर करूंगी। तो हमारे चैनल पर जो नए हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उसके साथ छोटी सी घंटी आएगी आप उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों हमारा वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखना, फुल वॉच से देखना। तो दोस्तों हम यहीं खेत पे आए हैं तो देख सकते हैं, तो हमने डलिया लिया हुआ है, तो देखिए इसमें क्या बोया हुआ है। ये देखिए एक जानवरों के लिए चारा बोया हुआ है, इसे हम लोग जोन्हरी कहते हैं, चरी भी कहते हैं। ये भुट्टा होता है, इसी में उड़द भी बोया हुआ है, वो थोड़ा है। तो आप सब देख सकते हैं, देखिए लीलगरी रोग कितना नुकसान कर दिए हैं इसकी। देखिए कुल चार डाले हैं, बहुत ही नुकसान कर देती हैं हमारे यहाँ गाँव में, इस तरह से आती हैं। ये सारा उड़द भी जिसमें बोया हुआ है उसे भी चर डाला है। तो आप सब देख रहे थे किसका इसका, देखिए कितना तहस नहस कर दिया है। इधर देखिए हाई हुई हैं, तो इसी में देखिए ये है, ये देखिए किस चीज़ का पौधा है आप सब दिखा देती हैं। देखिए तो एक ककड़ी की तरह पौधा इसका होता है, ये देखिए इसे कचरी भी कहते हैं। तो गाँव में हम लोग इसे पेहटा कहते हैं। आज हम इसी की रेसिपी बनाऊंगी, बना के अपना शेयर करूँ। इसका देखिए पौधा इस तरह से होता है, तो पौधे को हम उखाड़ देती हूँ। ये देखिए इसमें फल देखिए इस तरह से लगता है, कितना अच्छा लगा है। देखिए लीलगरी भी आई है, इसे भी खाई हुई है, बहुत सारे खा डाली हैं। तो हम इसी में से रोड़कर इसका पेड़ जो उखाड़ कर उखाड़ लेती हूँ खेत में से। पेड़ को हम उखाड़ लेती हूँ, तब तोड़ूँगी, बाहर रख देती हूँ इस तरह देख कर। देखिए इसका पौधा इस तरह से होता है, इसमें फूल सारे लगे हुए हैं। तो हम घूम कर देख लेती हूँ, जो इसका पेड़ इसमें होगा हम पेड़ को ही उखाड़ लेती हूँ, उखाड़ के तो तोड़ूंगी। तो बहुत पेड़ इसका फैला हुआ होता है, जिस तरह का कड़ी फैलता है, खीरा फैलता है, इसी तरह से इस तरह घूम कर देख लेती हूँ जहाँ इसका पौधा होगा, जहाँ तक हम उखाड़ लेती हूँ पौधे को। तो अपनी जरूरत भर कर हम उखाड़ लेंगे पेड़ को, पौधे को उखाड़ ले चलेंगे, बाहर निकाल कर तोड़ूंगी। तो देखिए दोस्तों हमने इतना सारा पौधा उखाड़ लिया है, इसमें देखिए कितने अच्छे से फरे हुए हैं। ये देखिए इस तरह से फरते हैं, बहुत ज़्यादा ही छोटे छोटे इसका फल है। तो हम अब इसमें से फल को हम तोड़ लेती हूँ, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये। इसका खाने में बहुत ही अच्छा लगता है ये, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा इसे खाते हैं तोड़कर। तो एक ककड़ी की तरह स्वाद इसका आता है, तो हम इसे तोड़ लेती हूँ इस तरह से, इसी तरह हम देख कर तोड़ लेती हैं सभी को। देखिए दोस्तों हमने इतना सारा तोड़ लिया है, देख लेती हूँ इधर और वह। तो आप सब दो सकते हैं, हमने अपने जरूरत भरे का तोड़ लिया है ये। तो हम लोग इसे पेहटा कहते हैं। देखिए जो पका हुआ है ये बहुत ही अच्छा आता है खाने में, तो बचपन में भी हम लोग बहुत ही खाते थे, बच्चे बहुत तेज खाते हैं इसे इस तरह से तोड़ तोड़ देख सकते हैं आप। तो एकदम ककड़ी की तरह इसका स्वाद आता है, तो बहुत बहुत जो है उसमें तीखा भी होते हैं, और हम उसे चक्कर बनाएंगे जब बनाने लगेंगे तो काट कर। चलिए हम लेके चलते हैं घर पे। बेटा को हम घर लेकर आ गए हैं, तो पानी से पहले हम धोकर साफ़ कर लेती हूँ। दो तीन पानी से अच्छे से धोकर साफ़ करूँगी, इसकी धुली मिट्टी लगी होगी साफ़ हो जाएगी। बेटा को हम धोकर साफ कर लिया, चाकू सारे से हम काट लेते हैं इस तरह से, पहले दोनों तरफ से हम इस तरह से काट लूँगी 20 में। तो इसी तरह हम जितना मोटा पतला काटना चाहें काट सकते हैं, हम इस तरह से काट रही हूँ। देखिए इसी तरह से हम सभी पेहटे को काट लेती हूँ। तो हमने सभी पेहटे को काट लिया है, तो इसे हम खेत से पानी से धोकर साफ करेंगे, जिसका जो बीज है अलग हो जाएगा। हाथों से रगड़ कर हम इस तरह से
आप सब देख सकते हैं इसका बीज देखिए कितना आसानी से अलग हो रहा गया है। ये देखिए इसे हम इस थाली में रख देती हूँ। तो आप सब देख सकते हैं हमने 2-3 पानी से अच्छे से धोकर साफ कर लिया। इसका बीज देखिए बीज सारा अलग हो गया है, निकल गया है। अब हम चलेंगे चूल्हे पे, आग जलाएंगे। हम चूल्हे के पास आ गए हैं, चूल्हे में आग को जला लेती हूँ। चूल्हे में आग जल गया है, चूल्हे पर रख देती हूँ कढ़ाई। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है, तेल कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। डाल देती हूँ सरसों का तेल, लगभग 1 चम्मच हम डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो रहा है, तेल गर्म हो चुका है। डाल देते हैं 1/2 चम्मच जीरा, जीरा हमारा तड़क रहा है। जीरा चटक चुका है, इसमें डाल देती हूँ लहसुन मैंने बारीक काटा हुआ है, और 3 हरा मिर्चा इसे बारीक काटा हुआ है। तो लहसुन और मिर्ची को हम ब्राउन होने देते हैं। तो लहसुन और मिर्ची हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें डाल देती हूँ बड़ी, हमने 2 कढ़ौनी लिया है इसे डाल देती हूँ। कढ़ौनी डालने से जो सब्ज़ी इसकी बहुत ही टेस्टी बनती है। कढ़ौनी को हम सुनहरा होने देती हूँ। तो बड़ी हमारी सुनहरी हो चुकी है, आप सब देख सकते हैं इसका कलर देखिए ना अलग हो चुका है। अब इसमें डालेंगे सब्ज़ी, सब्ज़ी थोड़ा सा डाल के इसका चलाते जाएंगे। सब्ज़ी को हमने अच्छे से भून लिया है, सब देख सकते हैं। इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, एक 1/6 चम्मच धनिया पाउडर। हल्दी और धनिया पाउडर को हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो हल्दी और धनिया पाउडर को हमने अच्छे से मिला दिया है। तो हमने ये लिया है किचन किंग मसाला है, एक किचन किंग का मसाला है, इसे हम 1/2 चम्मच डाल देती हूँ। इसे भी अच्छे से हम सब्ज़ी में अच्छे से मिला लेती हूँ, पंचफोरन को साइड चला कर इस तरह से। तो मसाला को हमने मिला दिया है, थाली है, थाली से हम ढक देती हूँ, इसे 5-6 मिनट तक पकड़ देती हूँ। तो 5 मिनट हो चुका है, हम थाली उठा के देख लेती हूँ। तो सब्ज़ी को हम इस कंचन के सहारे से चला देती हूँ। अभी हमने नमक नहीं डाला हुआ है, इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। तो नमक को हम अच्छे से मिला देते हैं। तो नमक को हम अच्छे से मिला लिए हैं, आप सब देख सकते हैं। तो थाली से हम इसे फिर ढक देती हूँ कम से कम 2-3 मिनट के लिए। इसे हम बीच बीच में चलाते जाएंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, थाली उठा के देख लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा सब्ज़ी एकदम बनकर तैयार हो चुका है, आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी आता है, ये बहुत स्वादिष्ट बनता है। ये जिस तरह से आप पुनरू की सब्ज़ी बनाए होंगे इस तरह से ये बनता है, और इस तरह से बनाकर खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो देखिए हमारी सब्ज़ी पक चुकी है, अब इसे हम कढ़ाई को हम चूल्हे से उतार लेती हूँ, कढ़ाई को नीचे उतार लेती हूँ।
तो कढ़ाई को हमने नीचे तौल लिया है, तो हम इस प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा हमारा सब्जी बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी थी कचौरी की सब्जी। तो हमने कितने अच्छे से बनाया हुआ है, तो हमने खेतों में से लेकर आई थी, बनाई है बहुत ताज़ा ताज़ा। तो हमारे यहाँ गांव में अक्सर खेतों में इस तरह से इसका जो है पौधा बहुत ही अपने आप उगता है। तो हम लोग इसी तरह से ले आकर बनाते थे सब्ज़ी, बहुत ही अच्छा लगता है। हमने आज सोचा आप सबको आज बना के शेयर कर दूँ। देखिए कितना टेस्टी हमारा सब्ज़ी बना हुआ है। आप इसे चाहें तो रोटी से, पराठा से, पूड़ी से खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में ये, और बहुत ही स्वादिष्ट होता है और सेहतमंद भी होता है ये सब्ज़ी इस तरह से बनाकर खाएंगे। तो हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।